अपने प्रीवियस लेक्चर से आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग ने ETF के बारे में सीख लिया था, अब हम थोड़ा बेसिक्स और स्टॉक मार्केट के बारे में बात करने जा रहे हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट, यानी कि क्योंकि हम लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में सीख रहे हैं, तो सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ये वही हैं जो डॉलर में जिनकी फ़ोटो छपी होती है। अगर आप कोई भी डॉलर उठा के देखें तो उसमें जो बड़े डिनोमिनेशन के डॉलर नोट होते हैं उसमें सर बेंजामिन फ्रैंकलिन की फ़ोटो होती है। तो उन्होंने कहा था कि इन्वेस्टमेंट, और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एक म्यूचुअल फंड भी चलता है अमेरिका का है, तो यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है वो इन्वेस्टमेंट से, करेंसी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। उन्होंने कहा था कि सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट क्या है, अपने नॉलेज में किया गया इन्वेस्टमेंट। यानी अगर आप कोई बुक्स खरीद रहे हैं, अपना समय अपने नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए खर्च कर रहे हैं, अपनी कोई, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई अगर हम लोग कोई पर्टिकुलर गैजेट खरीदते हैं या कोई सामान खरीदते हैं, तो उसके लिए वॉरेन बफेट ने कहा था कि अगर आप उन चीज़ों पे अपने पैसे को खर्च करते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो बहुत जल्दी आपको उन चीज़ों को बेचना पड़ेगा जिनकी आपको बहुत ज़रूरत है, मतलब आप दिवालिया हो जाएंगे फालतू की चीज़ों पे अगर आपने पैसे खर्च करे तो। और अगर आपने काम की चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, काम की चीज़ों के ऊपर पैसे खर्च करे, पढ़ाई में, कोर्स करने में, किताबों में, इन सब चीज़ों पे अपने इन्वेस्टमेंट किए, तो आपको सबसे बढ़िया रिटर्न मिलेगा। और दुनिया का सबसे बढ़िया रिटर्न मिलता है अगर आप अपने नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि हर इंसान उतना ही कमाता है जितनी उसके पास नॉलेज होती है। नॉलेज से, डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। कि अगर आपने MBA कर लिया, BTech कर लिया, PhD कर ली, तो आपके बहुत ज़्यादा नॉलेज आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। कितने सारे लोग MBA, BBA, BTech करके निकल रहे हैं, उनके पास ज़ीरो नॉलेज है या बहुत कम नॉलेज है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बस MA किसी तरह से पास कर लिया है, क्लास अटेंड करी नहीं है, बुक्स कभी पढ़ी नहीं है, लेक्चर ध्यान से सुने नहीं है, नोट्स कभी बनाए नहीं है, देखा नहीं, किसी तरह से बस रट उठा के पेपर दिया, पास हो गए, जिसमें से उनकी मेहनत 10%, यूनिवर्सिटी की कृपा 90%, ठीक है, यूनिवर्सिटी की कृपा से, टीचर्स के कृपा से वो पास हो गए किसी तरह से। तो वो हम लोग, उनको हम लोग ये नहीं कहेंगे कि नॉलेज है। डिग्री और नॉलेज का कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। नॉलेज, अगर आपके पास रियल नॉलेज है, तो आप डेफिनेटली बहुत पैसा कमा सकते हैं, बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। और नॉलेज के साथ साथ अगर आपके अंदर सेल्स स्किल्स भी है, ये एडिशनल चीज़ है, अगर आपके पास सेल्स स्किल भी है, तब भी आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा, बहुत सक्सेसफुल होंगे। तो सेल से कभी डरना नहीं चाहिए, और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि मैक्सिमम पैसा, मैक्सिमम टाइम वहाँ पे लगाएं जहाँ पे हमें नॉलेज मिल रही हो, ठीक है। तो नॉलेज पे किया गया इन्वेस्टमेंट दुनिया का सबसे ज़्यादा रिटर्न क्रिएट करके देता है। जैसे मैंने आप लोगों को SIP बताया था कि थोड़ा थोड़ा पैसा लंबे समय तक लगाया तो बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ा अमाउंट क्रिएट हो गया। 1000 रुपये अगर हमने 30 साल तक इन्वेस्ट करे, 18% का रिटर्न बना, तो 1 से 1.5 करोड़ का कॉर्पस आ गया, ठीक है, अगर उसमें कंपाउंडिंग हुई तो। लेकिन अगर आपने नॉलेज में इन्वेस्टमेंट किया है, आपने नॉलेज एक्वायर करने में पैसे को, टाइम को खर्च किया है, तो वो उससे भी कई गुना ज़्यादा रिटर्न बना के देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या बताया? सर अल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया के सबसे बुद्धिजीवियों में से एक हैं। माना जाता है कि अभी इस प्लैनेट में जितने लोगों को हम जानते हैं उसमें सबसे बुद्धिमान इंसान यही थे। और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसा कोई इंसान अगर दोबारा पृथ्वी पर पैदा हो जाएगा, तो हम लोग 1000 साल आगे पहुँच जाएंगे। मतलब इस तरह की ये खोजें करते हैं, इस तरह की चीज़ों को बताते हैं, जब साइंटिस्ट आते हैं तो हम लोग को 1000 साल आगे पहुँचा देते हैं। तो अगर कोई और इस तरह के साइंटिस्ट आ जाएं भविष्य में, तो हम लोग को बहुत एडवांटेज मिलेगा। तो इन्होंने फाइनेंस के फील्ड में एक बात बताई कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th wonder ऑफ द यूनिवर्स। ही हु अंडरस्टैंड इट्स अर्न इट, ही हु डजंट पेज इट। यानी कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यानी चक्रवृद्धि ब्याज दुनिया का 8वां अजूबा है। नोट कर लीजिएगा इस कोटेशन को, दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसको समझ जाता है वो इससे अर्न करता है, जो उसको नहीं समझता वो उसको पे करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने क्रेडिट कार्ड से कोई लोन ले रखा है, आपने कहीं पे कोई लोन ले रखा है,
आपका बिजली का बिल है, आपका पानी का बिल है, आपका हाउस टैक्स है जिसको आप पे नहीं कर रहे हैं, तो उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करती है। हाउस टैक्स पे कंपाउंड इंटरेस्ट सरकार चार्ज करती है 12% का। तो आपकी जो ओवरऑल बिल है वो कभी कभी ऐसा होता है कि रियल अमाउंट 40% है, इंटरेस्ट लगा 60%, वो आपको पे करना पड़ता है। तो यानी कि अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को नहीं समझेंगे तो आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। अगर आपने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ लिया तो आपको इसका एडवांटेज मिलेगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एग्जांपल हम लोग ने देखा था कैलकुलेटर से, नहीं देखा तो मैं एक बार फिर से दिखा दूं आपको, देखा है ना? ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पहले के MD थे दमानी जी, तो उन्होंने करिश्मा करीना मॉडल दिया है। करिश्मा कपूर, करीना कपूर दोनों एक्ट्रेस हैं, दोनों के बारे में हम लोग जानते हैं। करिश्मा करीना मॉडल है, क्या है करिश्मा करीना मॉडल समझते हैं। करिश्मा कपूर बड़ी बहन थी, करीना कपूर छोटी बहन थी। इसका एक मॉडल ये है, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, फोटो लगी हुई है तब आप रिकग्नाइज कर पाएंगे। करिश्मा ने क्या किया, 18 उसने बहुत जल्दी 16 साल की एज में उसने मूवी करना स्टार्ट कर दिया था, तो 18 साल की एज से उसने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और उसने उसका करियर भी बहुत छोटा था, बहुत जल्दी उन्होंने मूवी करना बंद कर दिया, 25 साल की एज में स्टॉप कर दिया इन्वेस्टिंग, मतलब जब तक पैसे मिल रहे थे तब तक उन्होंने सेविंग करी, उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया। इन्होंने क्या किया, हर साल 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए, यानी कि अप्रॉक्स 4,500-5,000 रुपये पर प्रति माह। ठीक है, 4,500-5,000 रुपये प्रति माह इन्वेस्ट किया। करीना कपूर ने क्या किया, इन्होंने थोड़ा करियर बाद में स्टार्ट किया और ज़्यादा लंबा चला, अभी तक मूवी कर रही हैं। ठीक है, 25 साल से इन्होंने कहा कि हमें 62 साल तक चलाएंगे, और इन्होंने भी 50,000 रुपये प्रति माह का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। तो टोटल ईयर्स कितने लगाए इन्वेस्टमेंट के लिए करिश्मा ने 18 से 25, यानी 8 साल लगाए। टोटल पैसा कितना लगाया, 8 साल में 50,000 के हिसाब से 4,00,000 रुपये लगाए, 4,00,000 रुपये इन्वेस्ट किए। करीना कपूर ने कितने साल सेविंग करी, 25 से स्टार्ट करके करीब 62 साल तक करी, 38 साल सेविंग करी, बहुत ज़्यादा। टोटल पैसा कितना इन्वेस्ट किया, 19,00,000 रुपए। इन्होंने 4,00,000 लगाए, इन्होंने 19,00,000 लगाए, इन्होंने 8 साल लगाए, इन्होंने 38 साल लगाए। जब ये 40 साल की हुई तो इनके पास कॉर्पस था 55,00,000 का, इनके पास सिर्फ 27,00,000 का ही हुआ। जब ये 50 साल की हुई तो इनके पास 2.25 करोड़ का कॉर्पस था, इनके पास सिर्फ 1.25 करोड़ का ही कॉर्पस था। और जब ये 60 साल की हुई तो इनके पास 12 करोड़ का कॉर्पस था, इनके पास सिर्फ 6 का ही था, आधा। और 60 साल की एज में बहुत कम पैसे लगा के, बहुत कम साल तक इन्वेस्टमेंट करके भी इन्होंने दुगना पैसा कमा लिया, ये कैसे संभव है? ये सही कैलकुलेशन है कि गलत है? इनने पैसा बहुत ज़्यादा लगाया, 5 गुना ज़्यादा लगाया, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगाया, फिर भी पैसा आधा ही बना पाई करीना कपूर, ऐसा क्यों? नहीं, दोनों का रेट ऑफ रिटर्न बराबर है, 15% की कंपाउंडिंग हो रही है, दोनों को रेट ऑफ रिटर्न सेम मिल रहा है, एक ही स्कीम में पैसे लगाया दोनों ने, दोनों को 15% का रिटर्न मिला है। अब ये कैसे संभव है, ये संभव है कि गलत कैलकुलेशन है? आपको क्या लग रहा है, गलत कैलकुलेशन है? सीधी बात समझ में आ रही है, ज़्यादा टाइम लगाया, ज़्यादा पैसा लगाया, करिश्मा करीना का बहुत ज़्यादा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सही कैलकुलेशन है ये, ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। करीना कपूर ने 25 साल की एज में स्टार्ट किया, करिश्मा कपूर ने उससे 7 साल पहले स्टार्ट किया, यानी टोटल टेन्योर उसका 7 साल ज़्यादा होगा। यानी पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहता है ज़्यादा लंबा इन्वेस्ट करना है, पैसा मैटर नहीं करता है, टाइम ज़्यादा मैटर करता है, और अमाउंट भी इसने बहुत कम लगाया लेकिन उसने अर्ली इन्वेस्ट स्टार्ट किया, तो पावर ऑफ अर्ली इन्वेस्टिंग भी बहुत एडवांटेज देता है। इसको अभी हम लोग एक एग्जांपल से और समझेंगे, इसके पहले मैं आपको बताऊं कि एक कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आप एक फार्मूले का यूज़ करते होंगे पहले,
क्लास एट्थ में, वो क्या फॉर्मूला था? हाँ, ए इज इक्वल टू पी वन प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, यानी अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस रेट रेट ऑफ रिटर्न आर अपॉन 100 की पावर एन, एन क्या है? टाइम है। इस फॉर्मूले में रेट ऑफ रिटर्न और टाइम दोनों मैटर करते हैं, रेट ऑफ रिटर्न, लेकिन सबसे ज़्यादा रिटर्न सबसे ज़्यादा मैटर करता है, वो करता है टाइम, क्योंकि वो होल की पावर एन लगा हुआ है, पूरे चीज़ को वो उतने टाइम मल्टीप्लाई कर देगा। यानी कि आप पैसा भले थोड़ा लगाएं, लेकिन अगर आपने ज़्यादा लंबे समय तक कंपाउंडिंग करी तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं। 50,000 रुपये साल का लगाना किसी के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है, और 18 साल से 25 साल तक ही लगाना है, 25 साल के बाद लगाना भी नहीं है, सिर्फ उसको इन्वेस्टेड रहना है, निकालना भी नहीं है, लेकिन नया भी नहीं लगाना है, फिर उसके बाद मजे करो, कुछ भी नहीं करना है। 12 करोड़ रुपए का कॉर्पस इकट्ठा हो सकता है, और जिसने लेट कर दिया उसने ज़्यादा भी लगाया, सब कुछ किया, पूरी ज़िंदगी लगाती रही 62 साल तक लगाती रही, लेकिन तब भी जाके आधा ही पैसा बना, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग करिश्मा के फेवर में काम कर रही है और करीना के अगेंस्ट काम कर रही है, क्योंकि इसने कम कंपाउंडिंग करी है। टाइम बहुत मैटर करता है। इसको मैं एक एग्जांपल से और समझाता हूँ। मिस्टर सक्सेना एंड मिस्टर गुप्ता, मिस्टर गुप्ता, इससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। मिस्टर गुप्ता ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया 35 की एज में। जनरली क्या होता है, इंडिया में लड़कों की शादी 28-30 साल तक होती है, और बच्चे बच्चे होते हुए 35 साल हो जाते हैं। 35 साल की एज में दो बच्चे और बीवी और घर का पूरा खर्चा, इस कंडीशन में इंडिया के मेल्स पहुंच जाते हैं। तब उनको होश आता है कि ऐसा है, अब एज भी मेरी 35 साल हो गई है, 50-55-60 के आसपास रिटायर हो जाएंगे, सारी पैसा तो पहले ही सेविंग में, गाड़ी खरीदने में, बाइक खरीदने में, घर मेंटेन करने में खर्च कर चुके हैं, फ़ोन खरीदने में, घर के सामान खरीदने में, कुछ है नहीं सेविंग के नाम पे, बच्चे की फ़ीस भी जा रही है, इन लोगों के इतने डिमांड्स भी आ रहे हैं, हमें अपने आप को भी मेंटेन करना है, तो उसको होश आता है कि अब मुझे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। तो मिस्टर सक्सेना ने 35 साल की एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी। कितना किया उन्होंने? मंथली SIP करी 15,000 की। उधर मिस्टर गुप्ता थोड़ा स्मार्ट इन्वेस्टर थे, उन्होंने डैम से पढ़ाई करी थी, और मैंने उनको बता दिया था कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है, तो उन्हें 25 साल की एज में जॉब मिल गई। MBA करने के बाद 25 साल की एज में उन्होंने सिर्फ 5,000 रुपये की SIP स्टार्ट कर दी। अब दोनों लोगों ने 60 साल की एज तक इन्वेस्टमेंट किया, इन्होंने 25 साल से स्टार्ट किया, इसने 35 साल से, लेकिन इन्होंने अमाउंट ज़्यादा लगाया, कहा कि मुझे लेट हो गया है तो मैं ज़्यादा अमाउंट करूँगा, 3 गुना ज़्यादा करूँगा अमाउंट। तो जब इन्होंने टोटल 60 साल की एज तक इन्वेस्टमेंट किया, तो मिस्टर गुप्ता का सिर्फ 21 लाख रुपये इन्वेस्टेड हुआ, क्योंकि वो 5,000 रुपये महीने की SIP कर रहे हैं, लेकिन मिस्टर सक्सेना का 45 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन रिटायरमेंट कॉर्पस मिस्टर गुप्ता का ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि अर्ली इन्वेस्टिंग करी मिस्टर गुप्ता ने, जल्दी स्टार्ट इन्वेस्ट किया, यानी पैसा कम लगाओ लेकिन टाइम ज़्यादा लगाओ। आप जितना ज़्यादा टाइम ज़्यादा लगाओगे, पैसा आप 1,000 रुपये लगाओ, अगर कोई इंसान 50 साल तक 1,000 रुपये की कंपाउंडिंग कर ले तो 51 करोड़ रुपये इकट्ठा कर सकता है। 50 साल में वो रिटायर हो जाएगा, मतलब पहले 18-20 साल तक, जब तक वो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसका 1,000 रुपये का SIP का इंस्टॉलमेंट मम्मी पापा दें, उसके बाद वो खुद दे अगले 30 साल तक, यानी 50 साल तक अगर इन्वेस्टमेंट करा सिर्फ 1,000 रुपीज़, तो जब वो 50 साल का होगा और उस पर 18% का रिटर्न बना, तो 51 करोड़ रुपये का कॉर्पस होगा, 0.5 अरब, ठीक है, सिर्फ 1,000 रुपये महीना इन्वेस्टमेंट करके। और अगर उसको कहीं 4-5 हज़ार कर दोगे, अरबों में चला जाएगा, 2.5 अरब, 5,000 रुपये अगर कोई करेगा तो 2.5 अरब से ज़्यादा। तो यानी कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम।
जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे, जितना अर्ली स्टार्ट करोगे, पैसा लगाना मैटर नहीं करता कि मेरे पास बहुत पैसा है, हम ज़्यादा पैसा लगा देंगे। आपने ज़्यादा पैसा लगाया लेकिन टाइम अगर ज़्यादा नहीं दिया तब भी आपको अप्रोप्रिएट रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। वॉरेन बफेट से एक चीज़ पूछी गई कि आपने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या थी, तो उन्होंने कहा मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था इन्वेस्टमेंट, अगर थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर देते तो और अच्छा रहता। उन्होंने कितनी साल की एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था? 13 साल की एज में अप्रॉक्स, ठीक है, 11 to 13 की एज में। तो अगर 13 की जगह वो थोड़ा और जल्दी स्टार्ट करते, क्यों उन्होंने ऐसा कहा? वो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे 1000 रुपीज़ की कोई SIP करता है और उसको 30 साल तक चलाता है, 18% की कंपाउंडिंग होती है, तो 1,43,00,000 मिलता है। और अगर उसमें सिर्फ 2 साल कम कर दिए जाए यानी 28 साल चलाया जाए तो रिटर्न पता है कितना कम होगा? 43% रिटर्न वाइप आउट हो जाएगा, सिर्फ 1 करोड़ बचेगा, 43,00,000 कम हो जाएगा 2 साल में ही। और 18% की कंपाउंडिंग से लगभग 3.5-4 साल में पैसा डबल हो रहा है, यानी कि 30 साल के बाद अगर 4 साल और इन्वेस्ट कर दिया तो 1.5 करोड़ से वो सीधे 3 करोड़ हो जाएगा। यानी कि जब कॉर्पस बड़ा होता जाता है वैसे ही हर 4-5 साल में अगर आपका 15% का रिटर्न बन रहा है तो हर 5 साल में डबल हो जाएगा, 18% का रिटर्न बन रहा है तो लगभग 4-4.5 साल में डबल हो जाएगा अमाउंट आपका, और अगर 12% का बन रहा है तो लगभग 6 साल लगेंगे। इससे हमें यह पता चलता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो बात बताई है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द यूनिवर्स, वो कैसे ट्रू है। इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन, कोई किसी के दिमाग में कोई क्वेरी आ रही है? स्कीम चेंज करने से कोई फ़ायदा नहीं है, एक स्कीम में 50 शेयर होते ही है, स्कीम बार बार चेंज नहीं करनी चाहिए। एक स्कीम देखिए, उसको रिव्यू करिए साल का 6 महीने में एक बार, अगर स्कीम अच्छा परफॉर्म कर रही है तो कंटिन्यू करो, अगर नहीं कर रही है अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट के टच में रहो, उससे रिव्यू कराते रहो। हाँ, लास्ट में ही ज़्यादा कॉर्पस क्रिएट होता है, इसको ऐसे समझते हैं एग्जांपल से, मैं आपको ग्राफ पे दिखाता हूँ। मेन कॉर्पस लास्ट में ही बनता है, शुरुआत के 6-7 साल तो SIP में आपको कोई रिटर्न ही नहीं दिखेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 का SIP किया और इसको हमने चलाया 30 साल, ठीक है, तो हमारा कॉर्पस बना, इस पर 18% का रिटर्न बना तो हमारा कॉर्पस बना 1,43,00,000, ठीक है। अब देखो, शुरुआत का 6-7-8-9-10 साल तक तो कोई रिटर्न ही नहीं बन रहा है, देख रहे हो, रिटर्न कुछ बन ही नहीं रहा है, वहीं के वहीं तो है। 12-13-14-15-16-20-19-20 साल के बाद से कुछ थोड़ा फर्क पड़ना शुरू हो रहा है, और इवन मेन शुरुआत हो रही है 10 साल के बाद से। 7-8-9-10 साल तक तो आपको ज़्यादा पता ही नहीं चलेगा रिटर्न में कि क्या रिटर्न आ रहा है, 10 साल के बाद मेन रिटर्न बनता है, और सबसे ज़्यादा रिटर्न बन रहा है लास्ट के, ये लास्ट के 5 सालों में, क्योंकि तब तक आपका, आपने बहुत सारी यूनिट एक्यूमुलेट कर ली है, तो जब बड़ा पैसे पे कंपाउंडिंग होती है तो बड़ा रिटर्न बनता है। तो शुरुआत का समय लगेगा आपको एक्यूमुलेशन में, मेन मजा आएगा लास्ट के 5-10 ईयर्स में। और अगर इसको और अच्छे से समझना है तो और बड़ा टेन्योर करो। अब देखो, इसमें शुरुआत में 18-20 साल तक तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ये 51 करोड़ रुपए हो गए, 1000 रुपये के 51 करोड़ रुपए हो गए। मेन मज़ा मिल रहा है लास्ट के 5 ईयर्स में, 36 से लेके उधर तक, आखिरी के 5 साल बहुत मैटर करते हैं, 4-5 साल में लास्ट में डबल हो जाता है। अब अगर आपने 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठा करा 30 साल में, 1,43,00,000, और उसको फिर से चार साल छोड़ दिया तो वो सीधे क्या हो जाएगा, 2,80,90,00,000, लगभग 3 करोड़ हो जाएगा नेक्स्ट 4 साल में। फिर अगर आपने उसको और 4 साल छोड़ दिया तो सीधे 6 करोड़। यानी बाद वाला टाइम बहुत मैटर करता है, शुरुआत में आपको एक्यूमुलेट करना होगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट करेंगे उतनी तेज़ी से और वेल्थ बनेगी। ये है, यानी मेन देखो ग्राफ यहीं पे भाग रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा उसने,
लास्ट का 5 ईयर बहुत मैटर करता है, उसमें सीधे डबल हो रहे थे जो कुछ आपने किया, इकट्ठा किया सीधे डबल। तो जितना ज़्यादा इकट्ठा करोगे उतना ही ज़्यादा डबल होगा। और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, मैंने आपको बताया था कि अगर हम लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करें तो बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट से भी हम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आपके सामने दिख रहा है, ठीक है, कि देखो उसमें जो येलो लाइन है इन्वेस्टमेंट वाली लाइन, वो है ही नहीं। एक येलो ग्राफ बनता था ना जिसमें दिखाता था इतना पैसा लगाया, जैसे इसको अगर टाइम कम करेंगे तो हमें येलो लाइन दिखाई देगी, 20 साल दिखेंगे तो देखो अब येलो दिखा। येलो का मतलब जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया। तो अब जब आप बहुत लंबा टाइम जाते हैं तो इन्वेस्टेड अमाउंट नेग्लिजिबल हो जाता है, देखो दिख ही नहीं रहा, कहीं पीला रंग ही नहीं गायब हो गया है। यानी कि नेग्लिजिबल इन्वेस्टमेंट में आप अनलिमिटेड वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, टाइम मैटर कर रहा है। हमने जो आपको दिखाया था जो म्यूचुअल फंड का, उसमें तो 21-22% का रिटर्न था, पिछले 25 साल से लगातार दे रहा था वो, 18 मैक्सिमम लिया है हम लोग ने, इससे ऊपर की कैलकुलेटर में होती ही नहीं है। अगर आपने 20-21, वॉरेन बफेट ने 21% से कंपाउंडिंग करी थी, तो अगर 21% से कंपाउंडिंग कर देंगे तो बहुत हो जाएगा, 2-3 अरब हो जाएगा, ठीक है, बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। 1% के रिटर्न में बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है, जब कंपाउंडिंग होती है, राइट। ऐसा भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जब आपका काम हुआ आपने निकाल लिया, जब एक्स्ट्रा बोनस मिला वापस जमा कर दिया। और अगर इसमें और रिटर्न इसको बढ़ाना है, ये तो प्लेन SIP है, अगर इसके रिटर्न को और बढ़ाना है, अब जैसे कि मैंने आपको जो म्यूचुअल फंड दिखाया था निपॉन ग्रोथ फंड, उसमें 21-22% का प्लेन रिटर्न आ रहा है, लेकिन अगर हर साल किसी ने 2 या 3 बार उसमें टॉपअप कर दिया हो, मार्केट गिरी उसने एक्स्ट्रा लगा दिया कुछ पैसा, मान लो 1000 रुपये की SIP, 1000 रुपये ही लगा दिया एक्स्ट्रा और, तो उसका 22% की जगह 30% रिटर्न बन गया होगा। अब 30% पे अगर कंपाउंडिंग हो गई ना, छप्पर फाड़ के रिटर्न बनेगा, इतना पैसा बनेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि ना कोई इसको समझता है, ना इसको कोई इम्प्लीमेंट करता है, सीखने के बाद समझने के बाद भी चुपचाप बैठे रहते हैं। रिटर्न बनता है एग्जीक्यूशन से, जब आप एग्जीक्यूट करोगे चीज़ों को, सीखने के बाद आप वो काम करो, ठीक है। जैसे मोमो बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, लेकिन मोमो को वाओ मोमो ने इतनी बड़ी कंपनी बना दी। गोली सोडा गली गली सब शहर पे लोग सोडा और नींबू पानी बेचते थे, कोका कोला ने उसको मल्टी बिलियन का बिजनेस बना दिया, ठीक है। जाने कितनी कोल्ड ड्रिंक आती हैं चली जाती हैं, ठीक है, कोई कोका कोला थोड़ी ना बन पाता है। एग्जीक्यूशन मैटर करता है। वो देखो चाय वाले ने बिल गेट्स के साथ फोटो खिंचवा ली, ठीक है, चाय तो पता नहीं कितने हर, अभी देखो नीचे चले जाओगे 4 चाय वाले बैठे होंगे, सबके पास बिल गेट्स थोड़ी ना जाएंगे। तो एग्जीक्यूशन कैसे कर रहे हैं आप, जो भी काम कर रहे हैं उसको कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो स्टाइल मार रहा है इधर उधर कर रहा है तो फेमस हो गया, ठीक है। तो आपका एग्जीक्यूशन मैटर करता है, किसमें आपने कितनी मेहनत करी है, टाइम कितना लगाया है। अदरवाइज चीज़ें तो सब लोग सीखते हैं, फिर से वही बात है, द्रोणाचार्य ने 105 भाइयों को सिखाया था, 5 पांडव थे, 100 कौरव थे, अर्जुन एक ही बना, 104 बेकारी हो गए, ठीक है। तो जो सीरियसली समझ के उसको एग्जीक्यूट करता है, प्रैक्टिस करता है उसके ऊपर, ठीक है, खाली पढ़ने से वेल्थ नहीं बनेगी, जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब आप पैसे कमाएंगे, जब आप मेहनत करेंगे और उसको अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे विद प्रॉपर गाइडेंस, तब वेल्थ क्रिएट होगी, ठीक है। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? इधर तो सब सोया करते हैं लगता है, इस साइड लोग, आप लोग बेटा कुछ कोई क्वेश्चन, कुछ आगे की कोई विजन, कोई फ्यूचर, कोई भावनाएं कुछ नहीं है क्या? कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, मम्मी पापा के अकाउंट में करो, वैसे माइनर भी कर सकता है, माइनर का भी अकाउंट बनता है, माइनर का भी अकाउंट बनता है, बट लेकिन अब आप सारे लोग तो 18 के ऊपर हो गए होगे, नहीं हो गए होगे तो हो जाओगे 2-4 महीने में, किसी ने फर्जी लिखा रखा होगा तो नहीं हो गए, ठीक है। बाकी मम्मी पापा के में कर लो, हम तो अभी भी मम्मी पापा के में करते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, टैक्स और बच जाता है।
हाँ अब देखो उसको लग रहा है कि 3 साल में कैसे करोड़पति बनते हैं 30 साल तक तो हम बूढ़े हो जाएंगे 30 साल की बात कर रहे हैं मजे कब करेंगे पैसे जो देखो इसका तरीका ये है कि मैंने आपको बताया कि एक 15x15x15 रूल भी होता है। आप 20-25 हज़ार की नौकरी करें उसमें 15,000 रुपये हर महीने बचाएं, 15,000 रुपये इन्वेस्ट करें, 15 साल में 1 करोड़ रुपये का कॉर्पस बन जाएगा। लाइफ को एंजॉय भी करना होता है, हर एक के लिए अलग अलग अमाउंट होता है। रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन किताब इसीलिए आपको दी थी, उसमें शुरुआत में उसने बोला सिर्फ 10% बचाओ अपनी अर्निंग का, 90% खर्च कर दो। वो 10% भी बहुत मैटर करता है, ठीक है, लेकिन अभी के टाइम के हिसाब से क्योंकि इन्फ्लेशन एक चीज़ आ गई है, उस समय इन्फ्लेशन नहीं होता था जब वो किताब लिखी गई थी, उस समय इन्फ्लेशन नहीं होता था, तो अभी 8-10% का तो इन्फ्लेशन होता है। लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन आप लोग के ऊपर जो इन्फ्लेशन लग रहा है वो और ज़्यादा है, क्योंकि आप लोग को लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन लग रहा है, शूज़, एडवांस कपड़े, गैजेट, तो उस पर 18-20% का इन्फ्लेशन है आपको, यानी कि 30% इकट्ठा करना पड़ेगा, 20% आपका इन्फ्लेशन का, 10% एक्स्ट्रा, 30% इकट्ठा करना पड़ेगा। यानी अगर आप कोई 1,00,000 रुपये कमा रहा है तो 30,000 रुपये उसको सेव करना पड़ेगा, कोई 10,000 रुपये कमा रहा है तो 3,000 सेव करें, 7,000 में खर्चा चलाएं, ठीक है। तो आपकी एज में और बहुत ख़राब कंडीशन में अगर आपको जोड़ना है तो 20%, और जब तक सिंगल हैं आप, जब तक आपके ऊपर बीवी बच्चों की लायबिलिटी नहीं है, तब तक तो 50%, 60%, 80-90% तक सेव करना चाहिए। भाई मेन खर्चे तो तब शुरू होते हैं ना जब बच्चे स्कूल जाते हैं, हाँ घर बनता है, सब होता है, शादी वादी में आते हैं। जब तक आप सिंगल है तब तक कोई खर्चा ही नहीं है, बस आपको पॉकेट मनी चाहिए, थोड़ा मूवी देखना है, खाना पीना है, घूमना है, उसके लिए 10-20% बहुत है, 80% से बचाइए। वेल्थ क्रिएशन के और क्या आसान तरीके हो सकते हैं? ये जो तरीका मैंने बताया, जैसे ये बच्ची क्वेश्चन पूछ रही थी कि 25 साल 30 साल तो बहुत थकाने वाला टाइम है, बहुत लंबा है, कैसे करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, तो मत साल सुन के इन्वेस्टमेंट करने का मन खत्म हो जाता है, लगता है यार ठीक है फिर ऐसा ही ठीक है, हम नहीं बचाएंगे 1,000 रुपये का पिज्ज़ा खा लेंगे 2 बार जाके डोमिनोज में, हम नहीं बचा रहे, कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे। लेकिन और भी तरीके हैं जिसमें सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना होता है, जैसे मैंने आपको बताया उसको कहते हैं डिविडेंड से। डिविडेंड से आप कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं? ये वॉरेन बफेट का पोर्टफोलियो दिखाया गया है, ठीक है, कि वॉरेन बफेट के पास कि जो 30% वेल्थ है वो एप्पल में इन्वेस्टेड है, एप्पल के स्टॉक्स में। वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका एनुअल पैकेज सब मिला के $120,000 $120,000 का रहता है सैलरी, जिसमें एक आईफोन बेचने पे उनको 0.00025% मिलता है। लेकिन जो वॉरेन बफेट को एनुअल डिविडेंड आ रहा है वो $720 million पर एनम है, $720 million पर एनम। 1000 million इज इक्वल टू, नहीं, $1000 million इज इक्वल टू 1 billion, 25% कम, ठीक है, उनको हर साल डिविडेंड मिल रहा है। और $1 billion इकट्ठा करना, मतलब ये बड़ी बड़ी कंपनियों की मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं होती है अप्रॉक्स, और ये तो खाली एक कंपनी का है, बाकी कंपनियों का मिला के 1 billion के ऊपर का उनको डिविडेंड मिल रहा है। $1 billion हर साल डिविडेंड आ रहा है वॉरेन बफेट के अकाउंट में, ठीक है। मैंने ये आपको एक एग्जांपल दिया था, कोका कोला का सीईओ, उनकी एनुअल सैलरी $16 million, ठीक है, और वॉरेन बफेट का साल का डिविडेंड $547 million। कोका कोला के सीईओ बेचारे मरे जा रहे होंगे, इधर फ्लाइट भाग रहे हैं, वो मीटिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं,
तब उनको 16 मिलियन मिल रहा है और ये खाली कोक पी रहे हैं। कोका कोला से उनको कोई लेना देना नहीं है, खाली कोक पीते हैं और 550 मिलियन डॉलर कमा रहे हैं और ये दिनों रात मरा जा रहा बंदा, तब 16 मिलियन मिल रहा है उसको। बिल गेट्स का पोर्टफोलियो, अब मुझे सबसे पहले ये बताइए, बिल गेट्स इस समय इंडिया में थे? बिल गेट्स इस समय इंडिया में है? बिल गेट्स ने क्या किया था, कैसे जानते हैं उनको हम लोग, क्यों जानते हैं? माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। माइक्रोसॉफ्ट इस समय दुनिया में कौन से नंबर की कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन में? कभी फर्स्ट होती है, कभी सेकंड हो जाती है। एप्पल माइक्रोसॉफ्ट ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। तो मान लो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और वो दुनिया के सबसे लंबे समय तक इस प्लैनेट के सबसे लंबे तक समय तक नंबर वन अमीर रहे हैं। जितने समय लंबे समय तक वो रहे उतने समय तक कोई भी नहीं रहा है, बाकी सब थोड़े समय के लिए होते हैं, फिर कोई और जाता है, फिर कोई और हो जाता है, ठीक है। अब आप सोचो कि माइक्रोसॉफ्ट इतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है, हर लोग उसका विंडो इस्तेमाल कर रहे हैं, दुनिया की नंबर एक कंपनी है, कभी एक है कभी दो है, तो बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट में कितने परसेंट शेयर होल्डिंग होगी अप्रॉक्स? और कोई माइक्रोसॉफ्ट में बिल गेट्स की कितने परसेंट शेयर होल्डिंग होगी? जैसे कि जेफ बेजोस की अमेजोन में नियर अबाउट 8-10% है, हाँ, जैसे मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री में 45-44% है, और अडानी ग्रुप की, अडानी की कंपनियों में 74-75% है, तभी वो नंबर एक अमीर हो गए। नारायण मूर्ति की इंफोसिस में 1% के आसपास है, लेकिन अजीम प्रेम जी की विप्रो में 74% है, इसीलिए वो दुनिया इंडिया के टॉप अमीरों में से एक थे। तो बिल गेट्स की कितनी होल्डिंग होगी उनकी कंपनी में अप्रॉक्स? अजीम प्रेम जी तो 74% लगा रखा, अडानी में 74-75% अपनी शेयर खरीद रखे हैं, अंबानी ने 45-45% अपने शेयर खरीद रखे हैं। दुनिया में जितने भी अमीर हुए हैं, जैसे एलन मस्क हैं, जेफ बेजोस हैं, उनकी अपनी कंपनियों में शेयर होल्डिंग बहुत ज़्यादा रहती है, इसीलिए वो नंबर एक अमीर बने हैं। नारायण मूर्ति कभी नहीं बन पाए नंबर एक अमीर इंडिया के, लेकिन उनसे छोटी कंपनी चलाते हैं अजीम प्रेम जी, वो नंबर एक अमीर बन गए क्योंकि उन्होंने अपनी कंपनी के शेयर डाइल्यूट नहीं किए। लेकिन बिल गेट्स ने अपनी कंपनी के शेयर डाइल्यूट करके क्या खरीदा उन्होंने? उन्होंने खरीदा बख्शा हाथवे 50% है उनके पास। बख्शा हाथवे किसकी कंपनी है? वॉरेन बफेट की कंपनी, यानी उन्होंने अपना पैसा दे दिया वॉरेन बफेट को कि आप मैनेज करो, उनकी कंपनी का शेयर कर लिया, बख्शा हाथवे मैनेज कर रहा है उनका पैसा, ठीक है। अब उनका अपनी खुद की कंपनी में से ज़्यादा स्टेक है वॉलमार्ट में, कैटरपिलर में, कार्टून नेटवर्क में, फेडेक्स में, माइक्रोसॉफ्ट में बहुत ही कम है, हाँ, अदर्स में आ गया होगा। क्योंकि ये स्ट्रेटजी अच्छी थी कि ख़राब थी, ये उन्होंने सही किया कि गलत किया? देखो, टेक बिजनेस में हमेशा रिस्क रहता है। अगर कोई एक ऐसी कंपनी आती, जैसे मान लो कि सभी हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे लोग मैकिंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, धीरे धीरे, ठीक है। तो मैकिंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम में मतलब विंडोज़ वाला, सॉरी एप्पल का अब डिवाइस मोबाइल भी धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है, पेनिट्रेशन उसका बढ़ रहा है, और अब लोग विंडोज़ की जगह एप्पल डिवाइस खरीद रहे हैं। अभी लोकेश सर को डिवाइस खरीदना था तो मैंने कहा कि एप्पल खरीद लो, एप्पल खरीद लिया उन्होंने, ठीक है, लैपटॉप विंडोज़ नहीं खरीदा। तो अब धीरे धीरे ना एप्पल का चलन बढ़ रहा है, तो बिल गेट्स को लगा कि कहीं कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना जिसने विंडो को रिप्लेस कर दिया या विंडो से अच्छा बन गया, और लाइनेक्स यूनिक्स भी है, ठीक है, एंड्रॉयड भी है, एंड्रॉयड बेस्ड कंप्यूटर भी आते हैं जिसको हम लोग क्रोम बुक कहते हैं, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गया है, बहुत हल्के होते हैं वो, बहुत लाइट होते हैं।
तो इसलिए उन्होंने सोचा चैन की नींद लेनी है, तो उन्होंने बख्शे हाथवे में पैसा लगा दिया। अब बख्शे हाथवे में पैसा लगाने से फ़ायदा ये हुआ कि बख्शे हाथवे एक होल्डिंग कंपनी है, वो कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती है, कोई सर्विसेज नहीं देती है, वो एक होल्डिंग कंपनी है, पैसा मैनेज करती है, ठीक है। इसलिए बख्शे हाथवे में ऑलरेडी 100 कंपनियाँ हैं, तो उन्होंने एक काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड खरीद लिया। बख्शे हाथवे क्या है, काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड है। तो उन्होंने अपना मैक्स सारा पैसा 50-60% पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दिया, बख्शे हाथवे म्यूचुअल फंड। अब वो चैन की नींद में सोच रहे, अब उनको टेंशन नहीं लेना, उन्होंने अपना सारा काम दे दिया सत्या नडेला को, जो कि इंडियन है। अब सत्या नडेला अपना सर बिड़ा रहे हैं कोका कोला के सीईओ की तरह, 24 घंटे गंजे भी हो गए, ठीक है, एक भी बाल नहीं बचा उनका सर पे, ठीक है, सैलरी मिल रही है, लेकिन बिल गेट्स आराम से अपना, देखो इनके पूरे बाल हैं अभी भी अपना मजे कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, पूरी दुनिया की सेवा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कहीं चाय पी रहे हैं। अब वॉरेन बफेट के साथ, वॉरेन बफेट इंडिया नहीं आते हैं क्योंकि वो एज उनकी ज़्यादा हो गई, अदरवाइज अगर जब भी अमेरिका में होते हैं तो दोनों लोग साथ में सॉफ्टी खाते हैं, साथ में बर्गर खाते हैं, ताश खेलते हैं, दोनों लोग बेस्ट फ्रेंड हैं, वॉरेन बफेट और बिल गेट्स, ठीक है, साथ में ही हैंग आउट करते हैं। फिर यहीं से हम लोग नेक्स्ट टर्न पे आगे कंटिन्यू करेंगे।